या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। ये तो वो बातें थी जो मेरे दिल में थी, मैंने आपसे शेयर कर दी और हर आदमी इस बात का एतराफ करता है कि ये हमारे लिए अमल की सजा है कि जो ऐसे आगे मुसल्लत हुआ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे अहले इलाका पर कि हम इतनी बारिश होने के सबब भी मस्जिद में बआसानी अपने घरों से आ रहे हैं। आप देखें अगर अपने इलाके से बाहर निकलें, नाजमाबाद, लियाकताबाद, नाजाबाद, न्यू कराची, सलजानी टाउन, तो वो लोग अपने घरों में महसूस हुए हैं। पाँच पाँच फीट, आठ आठ फीट वहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों का पता नहीं कितना जानी और माली नुकसान हो गया। मैं देख रहा था, बच्चे देख रहे थे, सुन रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा था कि किसी बच्ची का जहेज था वो सब बर्बाद हो गया। गरीब घराने का अभी कितनी मुश्किलों से उन्होंने फर्नीचर बनवाया है, बता रही थी 1.25 लाख रुपये का हमने फर्नीचर बड़े मुश्किलों से बनाया है, वो सब बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसका नेम बदल अता फरमाए। मर्ज कर रहा था हमारा इलाका बहुत ही बेहतर है, हम क्यों ना शुक्री करें कि हमारे इलाके में ये परेशानी है, वो हर इलाके में परेशानी है। आज बारिश हुई, थम गई, आप दो दिन के बाद भी और दीगर इलाकों में जाएं तो वहाँ पर एक एक दो दो फीट पानी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद लम्हे घंटे ही नहीं हुए, हमारे इलाके में पानी नहीं है। दीगर और परेशानियाँ हैं, पानी गंदा आ रहा है, सीवरेज के इंतजाम अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन ये हमारे घर महफूज हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितना नुकसान हुआ है उनको उस नुकसान पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और उस पर उनको अजर अज़ीम अता फरमाए और उनको बेहतरीन उसका अजर और नेम बदल अता फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त अकबरी शरीयत वली नेमत सरमाए सुन्नत क़ारी मोहम्मद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि इस नियत के साथ कि उनका मिशन था कि दीन इस्लाम की खिदमत की जाए, तबलीग इस्लाम के साथ अहले सुन्नत में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी उजागर की जाए, उसी नियत के साथ जाओ मस्जिद मुस्तफ़ा फिलाइताबाद पाक कॉलोनी कराची में इस साल भी ज़िक्र शहादत नामे की महफिल मुनक़िद की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया की इस काविश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। वो हज़रा और वो मेरी माएँ बहनें जो इन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और यहाँ पर मस्जिद में आकर प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर अपने नाम आया माल में ढेरों नेकियाँ लिखवाती हैं, वो उनसे इल्तिमास से कि वो जल्द जल्द जामा मस्जिद मुस्तफ़ा विलायताबाद में तशरीफ ले आए। एक बात का ख्याल रखें कि कल देखा गया बच्चे भी हैं और आजकल का जैसे मौसम है कीचड़ चढ़ा तो चप्पलें गेट से बाहर उतारें, चप्पलें गेट से बाहर उतारें, हो सके तो वहीं झाड़ कर कोने में रख दें या वहीं करीब जो रेत बने हुए हैं वहां पर रख दें। ख़वातीन ख़ास इसका ख्याल रखें कि जो अपने बच्चे अपने साथ बच्चों को लेकर आती हैं कि वो नापाक ना हो, बावजूद घर से आए और जब ऊपर जीने से चढ़ने लगे तो चप्पलें गेट से बाहर उतार दें, अपने चप्पलों को झाड़ कर वहीं कोने में कहीं रख दें। ऐसा ना हो कि उन चप्पलों के साथ नापाकी ऊपर जीने पर जाए और कोई नमाजी ऊपर जाए और फिर नीचे आए तो उसके पैर नापाक हो जाए, उसका वजू नाकिस हो जाए।
इस बात का खास ख्याल करें, मस्जिद का तकद्दस का ख्याल रखें और उस तकद्दस का ख्याल रखते हुए महफिल में शिरकत फरमाएं। अब इस बाबरकत महफिल का आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही कुरान पाक पढ़ने और उसको गौर से समाप्त करने की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب कि वो जल्द अज जल्द जाम मस्जिद मुस्तफ़ा विलायत आबाद नंबर एक में तशरीफ़ लाकर और इस बाबरकत महफिल में शरीक होकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिही व सहबीही व
وبارك وسلم ان کی مہک دل کے ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے گنچے بسا دیے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان عتیق و
अज़ल की
तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए खलीलों जी मसीह गो सभी सभी बेखबरे के खल्क मेरे कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, ये बेखबरे के खल्क मेरे कहाँ से कहाँ छुपे हुए को तेरे लिया इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए को तेरे लिया तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले रजा की जबान तुम्हारे लिए, जमीनों तुम्हारे लिए मकीनों मकान। दुरूद पाक का नज़राना पेश कर ले। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना व मौलाना محمد مولا الجود والكرم وعليه وبارك وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے الحمدللہ بہت ہی معنی ناز کلام ہے اور
बच्चे बच्चे को ये कलाम याद है, तो हम जुमा होकर पढ़िए। चमा के तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमा के तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमा के तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मदीने के खेत खोदा तुझको वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तुझे दादा ने वल्ला तो से चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे लिए शेर है आला हजरत अजीमुल बरकत की शान इससे कहीं बाला है। ये तो उनकी आशा इनके सारी है कि उन्होंने ये शेर लिखा, ये हकीकत में हमारे हम जैसे गुनाहगारों के लिए है। खाने वाला
मोर कदम रख के चलना की जमी और कदम रख के चलना अरे सर का मोपा है ओ जाने वाले अरे सर का मोपा है ओ जाने वाले मेरा दिल बे चमका दे चमकाने वाले गुर्राने वाले हैं मुनके अजब खाने गुर्राने वाले मेरा दिल बे चमका दे चमकाने वाले रही हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल बे चमका दे चमकाने वाले तम में नारा नस दुश्मन है तम में नाना कहाँ तुमने देखे हैं चंद रानी वाले कहाँ तुमने दे चंदराने वाले मेरा दिल बे चमका दे चमकाने वाले मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले अल्लाहुम सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मोहम्मद इमाम अल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम رسول اللہ وسلم نے کہا یا حبیب اللہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے शफात है तुम्हारी वाहवा कर्ज लेती है गुनाह कर्ज
फैज लेती है गुना परहेजगारी शफाकत जब नेकोकार देखेंगे कि गुनाहगारों पे कितने मेहरबान कितने शफीक हैं रसूलुल्लाह, तो नेकोकार कहेंगे गुनाहगारों से कर्ज में हमें अपनी बदकारियां दे दो, अपने गुनाह दे दो और हमारी नेकियां ले लो। उसी बात का जिक्र कर रहे हैं, कर्ज ले है गुनाह पर है दस्तकारी वा क्या ही तस्वीर पे ने प्यारे की सवारी वा क्या ही तस्वीर पे ने प्यारे की सवारी तरे शुमारी वाहवा। क्या कोई तारों को गिन सकता है? जब चौदहवीं का चांद होता है, तारे जिन मिला रहे होते हैं इर्द गिर्द, तब भी कोई तारों को नहीं गिन सकता। मैं फिदा चांद और यूं अख्तरे शुमारी वाहवा मौजे का जिक्र कर रहे हैं। जब पानी नहीं था, सहाबा इकराम ने शिकायत की, हुजूर करम फरमाइए, पानी ख़त्म हो गया है, जानवर प्यासे, इंसान हम लोग प्यासे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास कुछ पानी है तो मिशकीज़े निचोड़ कर एक प्याला पानी का लाया गया। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पांचों
उंगलियां रख दी और वहां से नूर के चश्मे जारी हो गए, सब सहरा हो गए। जब तक उंगलियां उस प्याले में रही सब सहरा हो गए, मिश्किजे भर लिए गए, जानवरों को पानी पिला दिया गया। आला हजरत का कलाम है, कहते हैं ना कि इमाम का कलाम कलाम का इमाम हुआ करता है। उंगलियां नीम आदि को कहते हैं। नीम जलवे की नता पाए कमर सातु सही महरो रोन तले वो की आए ना आई
फूलों में आज कुछ नहीं बू भीन बीनी प्यारी प्यारी बाहवा कुछ नहीं बू भीन बीनी प्यारी प्यारी बाहवा कर्ज लेती है गुना पर परहेज गारी वाहवा सचेत इस इन्याम के कुर्बान इस इक्राम के इसके नाम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाहवा हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी शफ़ात है तुम्हारी वाहवा पारे दिल भी निकला दिल से तोहफे में रज़ा सगाने को से इतनी जान प्यारी बाहवा क्या ही जो सफेदा शफाते है तुम्हारी बाहवा मुर्शिद करीम ने आला हजरत अजीम उल बरकत की मोहब्बत भी हमारे दिलों में व्यवस्था कर दी है कि हम उनका कलाम झूम झूम कर पढ़ते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुनते भी हैं। आइए एक और कलाम माइनस कलाम है आला हजरत अजीम उल बरकत का। आज मेरा दिल चाह रहा है कि जहाँ अल्लाह की रहमत की बरसात हुई है वहाँ आज महफिल में आला हजरत अजीम उल बरकत के कलाम पढ़े और सुनाए जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आज इस महफिल से आला हजरत से मोहब्बत करने वालों के दामन खाली घर ना जाए और कल मैदान महशर में इसी महफिल का सदका और तुफैल हमारी बख्शिश हो जाए।
درود پاک نازل ہوا ہے اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسم کا آپ کو پتہ ہی ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے آج کے مقرر الحمدللہ وقت کی پابندی فرماتے ہیں، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بارش کا، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس جگہ ان کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے فرما رہے ہیں کہ وہ بھی پانی سے بھری ہوئی جگہ، بس اب گاڑی ڈوبنے کی باقی دیگے پانی، بارش کا پانی اترنا شروع ہو گئے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، وہ آ جائیں اور کچھ لمحات ان کے ہمیں میسر آ جائیں، ورنہ پھر انشاءاللہ اللہ حضرت عظیم البرکت کی لاش کے بعد ایک منقبت حضرت علی المرتضیٰ کی پڑھ کر صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیں گے سب۔ سب سے اولا سب سے بالا ہمارے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلے جس کے تلے موقع دو بن ہے آب حیات، ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانِ مسیحا سب سے اولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء،
दो बूंद है जिसकी दो बूंद है कौसर सलसले सिर्फ दो बूंद आला हजरत हमारे कौसर सलसले कल महशर के अंदर जब सरकार मदीना अलैहि सलातो सलाम सबको अपने दस्ते मुबारक से सैरा फरमा देंगे उस आबे कौसर का क्या कोई अंदाजा लगा सकता है। आला हजरत हमारे जिसकी दो बूंद है कौसर सलसले सब का खुदा एक है वैसे ही ختم نبوت کی مہر لگا لیا اللہ حضرت نے قرنوں بدلی رسولوں کے ہوتی رہے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نے ترجمانی فرمائیے آدمی دیتا کسے ہاتھ سے مگر جب کوئی بہت عجیب بات کر دے کہ میں یہ دیکھوں منہ دیکھا یہ دے سکتے ہو تو منہ دیکھا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دل والا ہے سچا ہمارا نبی دل والا ہے سچا
क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, सबसे औला आला और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे अच्छे सा अच्छा हमारा नबी है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, मिलकर कहिए सबसे ओला सबसे बाला अंबिया से करो अर्ज क्यों मन को, अंबिया से करो अर्ज क्यों जिसने टुकड़े किए कमर के वो है,
जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है। नूरे वहादत का टुकड़ा हमारा नबी, नूरे वहादत का टुकड़ा हमारा नबी। सबसे शीशा अंधा हो जाए तो उसमें किसी को अपना अक्स नजर आए, शीशा जब अंधा हो जाए तो अशरफ भाई माशाल्लाह शीशे का काम करते हैं, बहुत वाकिफ है नस्लों से। शीशा जब अंधा हो जाए तो उसे अपना अक्स नजर नहीं आता तो देखने वाले। आला हज़रत अज़ीम उल ज़िक्र हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या फरमा रहे हैं, सब चमक वाले उजलों में चमकाए, सब चमक वाले उजलों में चमकाए, सब चमक वाले उजलों में चमकाए, अंधेरे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे औला हो सबसे बाला हो वाला, और जिसने एक वाक्य याद आ जाए आ गया और इसी मुनासबत से है जो आज की महफिल है, खलीफा चाचा और सैयदना हजरत अली उल मुर्तजा करम अल्लाह वजूल करीम की, एक औरत आपके सामने आई और अपने बच्चे की परेशानी का जिक्र करने लगी कि मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया है और वो गिरने के करीब है, मैं उसे बुलाती हूँ वो मुझसे दूर भागता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़े। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया कि कोई उसका हम जिस उसका दोस्त जिसके साथ वो मानूस वो खेलता हो वो है। आपने फरमाया एक बच्चा ऐसा है कि जिसके साथ वो रहता है उसके साथ खेलता है। उस बच्चे को फरमाया उस बच्चे को हाथ पकड़कर ऊपर ले जाओ और उससे कहो कि अपने दोस्त को बुलाओ। अब इस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ देना, कहीं ऐसा ना हो यक नशु दोशु ये भी चला जाए। तो एक हाथ से उस बच्चे का हाथ पकड़े रहना और इससे कहना अपने दोस्त को बुलाओ। ऐसा ही किया साहिबा ने और बच्चा ऊँचा नीचे आ गया उस दोस्त के कहने पर। वापसी आई शुक्रिया अदा करने के लिए, अर्ज करने लगी कि आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत ही एहसास कि आपने मेरा मसला हल कर दिया, मेरा बच्चा तो मर जाता मगर यार आपको बात सूझी कैसे। मौला कायनात की बात सुनकर रोने लगे, जारो कतार होने लगे और मानने लगे कि हम इसी तरह इस बच्चे के मालिक थे कि जहन्नम के गड्ढे में गिरने ही वाले थे। अगर हमें हमारे दरमियान हम जैसा नहीं आता, हम जिस नहीं आता जो ये दावा करता कि मैं तुम में से,
तेजस अबशर हूँ, तो हम उसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहते, उससे मायूस नहीं होते और उस गड्ढे में गिर जाते। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम रऊफ़ रहीम को हमारे दरमियान भेज दिया, जो उसने कहा कि मैं तुम में से, उसने अपनी जिंदगी इस तरह बसर की जैसे हम करते हैं। उसकी आवाज पर हमने लब्बैक कहा, उस गड्ढे में गिरने से बच गए। आला हज़रत फरमा रहे हैं, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं कि जो अपने वक्त के बड़े बड़े और उसके बाद क्या है कि इन्हीं से इस्लाम का बोलबाला हुआ। आज इन्हें मस्जिदों के मेहराब और मीनार पर इनके नाम लिखे जाते हैं, इन्हें अशरा मुबशर कहा जाता है, इन्हें असाबे नजूम कहा जाता है। ये वो हैं कि किसी भी अदना सहाबी की हम दामन पकड़ लें और अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा की अदब और एहतराम करने की तौफीक और सआदत फरमाए, ना किसी के मर्तबे को घटाने की, ना किसी के मर्तबे को बढ़ाने की हमें जुर्रत अदा, उससे महफूज रखे। ऐसी जुर्रत हम कहाँ से लाएं? हम क्या जाने कि एक वली का मतलब हम नहीं समझ सकते कि वो आयु 65 साल हमारे दरमियान रहे। हजरत वाले 65 साल हमारे दरमियान रहे, वो साथी हो इनके साथ, क्या हम आज तक उनके मतलब को समझ सके? हमने कदर ही नहीं की। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। ये बस मेरे मुर्शिद का फैज है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की करामत है और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है कि वो मुझसे पढ़वा लेता है। मुझे पढ़ना नहीं आता, तो नाज़मा नहीं हूँ, तो नाज़मा दो दो चार चार घंटे पढ़ लिया करते हैं, तो उनमें से नहीं हूँ मैं, तो एक अदना सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस नाम लिखवाने के लिए उनकी सना करता हूँ। कल मैदान मैशर में जब लंबी कतार सना खानों की हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि ये भी मेरा सना खान। बस इसी अकीदत और इसी मोहब्बत के साथ सरकार की सना करता हूँ।
न कभी किसी से लिफाफे का मुतालबा किया, न कभी किसी से कन्वेंस का मुतालबा किया कि मुझे कन्वेंस दोगे तो मैं आऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त होता है पहुँच जाता है, वक्त नहीं होता है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मीनाम कादरी साहब से कि वो मौलाए कायनात की मनकबत पेश फरमा कर हमारे कलूब को मुनव्वर फरमा। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का जिसको मोहब्बत अली से है, मोमिन है वो कि जिसको मोहब्बत अली से है, अली से गए।
बंदा अली को मोहब्बत अली से है। मैं बंदा अली को मोहब्बत अली से है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नौजवानों पे अकबर
जबाज़े मुस्तफ़ा को हमारा सलाम, उम्मत के बच्चों पर सब हो गए शहीद कुर्बानी ये खुदा को हमारा सलाम हो, आशुराए मुहर्रम आली की सारे केबरिया को हमारा, पढ़कर दुरूद अदब से गुलामे अज़ीम तू कह गए मेहमान कर सलाम हो सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, उम्मत के पेशवा को हमारा वास्ता सदका हज़रत आयशा का और शहीद करबला का और शहीद करबला का गम ना हो रोज़े सलाम अलैका सलावातुल्लाह अज़्तुफ़ैल गौसे आज़म गंज बख्श फैज़े आलम सदक़ाए सब ही के रजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह ये सलामें आज जाना हो कबो। अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम आलिही व सहाबीही व बारिक व सल्लम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.